हेलो दोस्तों, वापस से मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्लॉग्स। तो दोस्तों, फिलहाल जो है हम एक वायरलेस माइक लाए हैं और इसको जो है हम लोग ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से, और इसका प्राइस जो है 2999 रुपये पड़ा है। और इसको जो है डिलीवर होने में हमको 5 दिन समय लगा, और इसको डिलीवर जो है ईकार्ट कुरियर कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, इसको जो है हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलिए इसको जो है हम ओपन करते हैं। फिलहाल जो है हम इस बॉक्स को ओपन कर लिए हैं, और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको प्रोटेक्शन, इस बॉक्स को प्रोटेक्शन करने के लिए दिया गया है। तो इसको जो भी है हम काट देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो है बॉक्स मिलता है इस माइक का। फिलहाल जो है हम इस बॉक्स को ओपन कर लिए हैं, और इसको जो है हम साइड में रखते हैं। और बॉक्स को ओपन करने के बाद जो है देखिए, इस प्रकार का एक अंदर बॉक्स मिला है जो कि वायरलेस माइक का है। तो बहुत ही अच्छा कवर से पैक किया गया है। देखिए, इसमें छोटा सा प्लास्टिक से पैक कर दिया गया है इसको। तो इसको जो है फिर से हम इसको फाड़ लेते हैं। तो इसको जो है हम फाड़ लिए हैं और इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं यह वारंटी कार्ड है। इससे ही हम लोग को जो भी अगर प्रॉब्लम होगा माइक में, इसको हम सर्विस सेंटर ले जा करके जो है हम इसको दिखा सकते हैं। तो उसके बाद जो है कवर जो है इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यह यूज़र मैनुअल है, और इसके बाद जो है इसको भी साइड में रखते हैं। और यह जो आप लोग देख रहे हैं यही माइक है, और इसको जो है देखिए बहुत ही अच्छा केस में दिया गया है। और इसका जो है टाइप सी चार्जर है, तो आप जो है इसको टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो देखिए यह दो रिसीवर माइक दिया गया है। देखिए, ये दोनों माइक है, और यह जो आप लोग देख रहे हैं टाइप सी रिसीवर है। तो दोस्तों, इस सबको फिर से वापस से वहीं पर रख देते हैं। और इसके बाद जो है अब हम इसको दिखाते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए, और इसके बाद जो है तो यह कनेक्टर मिला है जो कि इसको चार्ज करने के लिए दिया गया है। देखिए, दो तरह का कनेक्टर है, यूएसबी से टाइप सी है, दोनों टाइप सी है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि मैं जो यह वायरलेस माइक लिया हूं, इसमें जो है दो मॉडल आता है। एक जो है एक रिसीवर आता है, देखिए इस प्रकार से, और एक एक में जो है दो रिसीवर आता है। तो देखिए, मेरे में जो है दो रिसीवर लिया हूँ और एक जो है कनेक्टर है। तो दोस्तों, इसमें जो है आप लोग को बता दूँ कि इसको जो है अकॉर्डिंग टू कंपनी 20 मीटर तक आप जो है इसको रेंज है, आप 20 मीटर दूर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार का है, आप लोग जो है इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं, और लगाने के बाद जो है आप आईफोन में लगा दीजिएगा तो आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको जो है हम साइड में रखते हैं, और देखिए आप लोग को बताते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रहा होगा, तो इससे आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि यह जो है
कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफोन से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए हम माइक्रोफोन को ओपन करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए माइक्रोफोन भी ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद जो है देखिए यह कंटिन्यूसली लाइट जल रहा है, यानी कि इसमें भी कंटिन्यूसली जल रहा होगा, इसमें भी जल रहा है, यानी कि दोनों कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों और आप लोग इसके बारे में बताते हैं, तो ये जो कनेक्टर दिया गया है यूएसबी से टाइप सी है, तो इसको जो है हम इसको चार्ज करने के लिए प्रयोग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे और इसको जो है किसी भी चार्जर या जहाँ भी यूएसबी पोर्ट रहता है वहाँ लगा कर जो है इस केस को चार्ज कर सकते हैं। और आप लोग को अब इसको यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से इसका नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। फिलहाल जो है हम अभी नॉर्मल मोड पर बात कर रहे हैं इस माइक का, और यह जो माइक है बहुत ही बढ़िया है जो लोग नए यूट्यूबर हैं उनके लिए। तो इसका जो प्राइस है हमको पड़ा है 2999 लगभग 3000 रुपया। तो अब जो है हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का कहना है कि आप जो है 20 मीटर तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन के द्वारा, देखिए जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है देख लीजिए। और इस कंपनी का यह भी कहना है कि आप जो है इसको प्लग एंड प्ले माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में ज़्यादातर मोबाइल में इस प्रकार से होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको थर्ड पार्टी कोई कैमरा वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने जो है ओपन कैमरा इंस्टॉल किया हूँ जिसके द्वारा जो है हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और इसमें जो है आप जो है इसको ऑन करने के लिए एक बार इस जो बटन आप लोग को दिख रहा है इसको एक बार क्लिक कीजिएगा तो यह रेड एंड इस प्रकार से है ग्रीन ब्लू ब्लिंक करते रहेगा, और जब आप कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिएगा अपने मोबाइल से तो कंटिन्यूसली जो है ग्रीन शो करते रहेगा। तो दोस्तों अब जो है इसका जो है हम कुछ नॉइज कैंसिलेशन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नॉइज कैंसिलेशन इसका ऑन करना चाहते हैं तो इसमें जो है दोस्तों यह जो बटन है अभी यह ऑन है, और यह जो बटन है इसको एक बार प्रेस कीजिएगा तो एक बार जो है यह ब्लिंक करेगा। तो देखिए इसको हम अब जो है प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद जो है अभी जो है फैन चल ही रहा है और आपको जो है यह पता चल रहा होगा कुछ सनसनाहट का आवाज़, तो पहले से जो है कुछ कम हुआ होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, यह कनेक्टर है, यह कनेक्टर इसलिए दिया गया है ताकि जो रिसीवर रहता है मोबाइल में जो कनेक्ट किया जाता है उसमें जो है इस माइक में यह फीचर दिया गया है कि आप जो है इसको कनेक्ट करने के बाद जो है इसको मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, और कनेक्टर मोबाइल में लगा भी रहेगा। और चार्ज करने के दौरान अगर आपको लगता है हेडफोन या और कुछ लगाने के लिए अगर मन करता है तो आप जो है इससे आप वीडियो का माइक का क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। तो यह जो है दो प्रकार दिया गया है, दो को दिया गया है सेम ही, तो इसको जो है हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको जो है आप जो कनेक्टर दिया गया है मोबाइल में लगता है उसको यहाँ लगा करके जो है आप आईफोन में लगा सकते हैं। देखिए यह आईफोन का कनेक्टर दिया गया है, बढ़िया से देख लीजिए, और इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह केस को चार्ज करने के लिए दिया गया है, देखिए इस प्रकार का केस है और केस बहुत ही बढ़िया है। देखिए इसमें जो है रखने अंदर किस प्रकार का है, तो इसको जो है हम इस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, आप चार्जर में लगा दीजिएगा तो यह चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी जो है हम साइड में रखते हैं, और इस प्रकार का जो है बॉक्स दिया गया है, बॉक्स बहुत ही बढ़िया है, देखिए मजबूत है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अब जो है हम लेवल 2 ऑन करते हैं नॉइज कैंसिलेशन का। तो लेवल 2 ऑन करने के लिए दोस्तों आपको जो है सिर्फ एक ही बार इसको प्रेस करना है, ना कि बार बार प्रेस करना है, एक बार प्रेस कीजिएगा अब जो है यह दो बार ब्लिंक करेगा। तो दोस्तों अब जो है इसको हम प्रेस करते हैं, तो दोस्तों इसको जो है हम नॉइज कैंसिलेशन लेवल 2 पर बात कर रहे हैं,
तो अब जो है अभी भी फैन चल रहा है और आपको कुछ सनसनाहट का जो है बहुत ही कम आ रहा होगा पहले की अपेक्षा। तो इसको जो है हम फिर से लेवल 3 के लिए अब बात करते हैं। तो लेवल 3 ऑन करते हैं, देखिए लेवल 3 को हम ऑन करते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे यह जो लाइट है वह 3 बार ब्लिंक कर रहा होगा और अब जो है लेवल 3 का नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो चुका है और इसमें जो है पहले की अपेक्षा और अच्छा क्वालिटी हो गया होगा वीडियो का। तो दोस्तों यह जो माइक है बहुत ही बढ़िया है और इसमें जो है यह यूज़र मैनुअल है और इसमें सारा चीज़ बताया गया है कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए इसका जो है पहला स्टेज, देखिए आपको जो है जो इस स्विच है स्विच को एक बार चपना है, तो चपने के बाद जो है ब्लिंक करते रहता है और उसके बाद जो है आप कनेक्टर को जो है लगा दीजिएगा तो कनेक्टर में भी लाइट जलते रहता है। और इसके बाद जो है आप लोग को बता दें कि इसमें जो है 2 मॉडल आता है, एक मॉडल में जो है 1 माइक्रोफोन रहता है और एक मॉडल जो है उसमें जो है 2 माइक्रोफोन रहता है। तो 2 माइक्रोफोन का लगभग प्राइस 3,000 रुपया है और एक माइक्रोफोन का जो है लगभग 2,000 रुपया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी हम आगे अपने निजी ज़िंदगी में जो भी यूज़ कर रहे हैं चीज़ या हमको जो भी लगता है कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।